अपने सदस्य विकास कुमार मुंडा जी। राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग के प्रस्तुत बजट पर समर्थन के लिए बोलने के लिए खड़ा हूँ। राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राज्य के जो किसान है, इस बजट से उन किसानों के सपने साकार होंगे। और मैं सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं और उसके साथ साथ में मेरे कुछ सुझाव हैं और कुछ फैक्ट को लेकर मैं अपनी बातों को रखूंगा। राज्य सरकार ने एक सबसे अच्छी जो पहल रही, उन्होंने किसानों के ऋण माफी के लिए योजना लेकर के आई और उसमें करीब 836 करोड़ रुपए का ऋण पूरे राज्य के किसानों के ऊपर में जो था उसको माफ किया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की, आप सोचिए कि 836 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे राज्य के किसानों के कंधों पर कितना बड़ा बोझ कल के दिन में भी था और आज के दिन में भी है। मुझे लगता है और मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को इस जो 50,000 की राशि जो माफ की गई है उसको बढ़ा करके जो हमने चुनाव में जो अपनी बातों को कहा है उसके अनुसार 2,00,000 करने का मैं अपने तरफ से प्रस्ताव भी देता हूँ। उसके साथ साथ में एक सबसे अच्छा चीज जो इस बजट में राज्य सरकार ने लाया कि सभी माननीय सदस्यों के अनुशंसा पर 100 गांवों का चयन किया जाएगा, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको इस तरीके से प्लान करके आप लोग लाइए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गांवों में आज के दिन में भी जो कृषि व्यवस्थाएं हैं और जो उस कृषि व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो सिंचाई की जो स्कीमें चल रही है आज के दिन में, मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। आप इस तरीके से इसको प्लान करके लाइए ताकि जो बजट में हम लोगों ने जो कल्पना की है वो सही मायने में मूर्त रूप में जमीन पर उतर सके। उसके साथ में अध्यक्ष महोदय कुछ फैक्ट्स भी है, आज हम उन फैक्ट्स के ऊपर में बात करते हैं तो कुछ चीजें देखने को आपको मिलेंगे कि पूरे झारखंड में जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस आज करने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि आज मुझे लगता है कि जो अन्न हम खाते हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है, हमने क्वांटिटी तो बढ़ा लिया, उत्पादन हमने बढ़ा लिया, लेकिन अगर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें किसी भी उस अन्न में मुझे लगता है कि पोषक तत्वों को अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे तो पोषक तत्व उसमें नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने अपने व्यवस्थाओं को पीछे जाते हुए आज और पीछे इसलिए जाने के कह रहा हूँ कि हम अगर 20-25 साल पीछे जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी कृषि व्यवस्थाएं उस समय काल में क्या थी और आज के वर्तमान समय में हमारी कृषि व्यवस्थाओं का क्या हाल हो रखा है। बिना केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल किए हुए कोई फसल आज के दिन में उग नहीं सकती है, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम इस परिस्थिति पे आ जाए कि जिस भूभाग में या फिर जिन खेतों में आज के दिन में फसलें उग रही हैं उन खेतों में हो सकता है कि हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सपेरिमेंट कर ले कि बाद में हो सकता है कि उसमें कोई फसल ही ना उगे। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा और सलाह है मेरी कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए पूरी व्यवस्थाओं को बदलें और उसी ओर लेकर के जाएं। आप देखिए कि आज के समय में ये चिंता का विषय है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे राज्य में जो सर्टिफाइड क्षेत्र है वो मात्र 762 हेक्टर है आज के दिन में। अगर मैं अपने पड़ोसी राज्यों का अगर आंकड़ा मैंने कुछ जुटाए थे तो उन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के पास वही 4,113 हेक्टर आज के दिन में सर्टिफाइड आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एरिया डिक्लेयर है। तो मैं इन आंकड़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को इस आंकड़ों को भी बढ़ाना है और अपनी हम जो पहले 20-25 साल पहले जो हमारी कृषि व्यवस्थाएं थी उनको वापस लेकर के आने की बहुत ज़्यादा मुझे लगती की आवश्यकता है और इस पर हमें मजबूती से काम भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार को इन्हीं सुझावों के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में
इन सारे सुझावों पे सरकार काम करेगी और राज्य के किसानों का भी इससे भला होगा और वो कृषि उत्पाद जो आज के दिन हम ग्रहण करते हैं वो कृषि उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता के साथ लोगों को मिलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। माननीय सदस्य लंबोद